अनूपपुर तहसील सभागार में कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले गंगा मेला को लेकर बैठक आयोजित की गई है, जिसमें जिलाधिकारी सीपी सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार और एसपी देहात बीबी चौरसिया की उपस्थिति में आयोजित हुई कार्तिक मेले में तैयारियों को लेकर अपराधियों के साथ ही विचार विमर्श किया गया है। बता दें कि जिलाधिकारी ने कहा है कि सभी अधिकारी इस बार पहले से ही अच्छी तरह से मेले का आयोजन करना सुनिश्चित करेंगे, इसमें किसी भी प्रकार की स्थिरता नहीं बरती जाएगी। इस बार मेले की शुरुआत होने से पहले ही अनूपपुर शहर आने जाने वाले मार्गों को गड्ढा मुक्त करने के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं और पुलिस को सुरक्षा और शांति व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए निर्देश भी नगरपालिका ईओ को निर्देशित किए गए हैं। बता दें कि मेले में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए निर्देशित पिछले साल के मुकाबले सफाई कर्मियों की संख्या अधिक की जाए, ताकि श्रद्धालुओं को गंदगी का सामना ना करना पड़े और बिजली विभाग के अधिकारियों को भी लाइट की व्यवस्था मुकम्मल करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि मेला स्थल शुरू होने से अंतिम छोर तक लाइट की व्यवस्था की जाए, जिसमें मेले में व्यवस्था सेवा दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि मेले में श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए पीने के पानी की, शुद्ध पानी, मोबाइल, शौचालय, चिकित्सा कैंप, पुलिस चौकी, बैरिकेटिंग, पार्किंग और गोताखोर, ना पीएससी प्लांट और यातायात पुलिस उचित व्यवस्था रखी जाएगी और शराब की दुकानें बंद रहेंगी। बता दें कि प्रदूषण अधिकारी ने आदेश दिया है कि यह मेला पॉलीथीन मुक्त होगा और रोडवेज बसें अधिक से अधिक चलाई जाएंगी। बैठक के बाद ही अधिकारियों द्वारा ही सभी बैठकों का निरीक्षण किया गया है। बैठक के दौरान ही जिलाधिकारी सीपी सिंह, एसएसपी श्लोक कुमार, एसपी देहात बीबी चौरसिया आदि लोग मौजूद रहे।